आज चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में तालमेल कमेटी की वार्ता हुई। यह वार्ता कई घंटे चली। इस वार्ता में विभाग की वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव जी अनुपमा, निदेशक हेमा शर्मा, संयुक्त निदेशक राजबाला मौजूद थे। बैठक में तालमेल कमेटी की ओर से शकुंतला देवेंद्री शर्मा, कृष्णा पुष्पा दलाल, जय भगवान, राजेंद्र एडवोकेट, रूपा राणा, ईश्वर राठी आदि मौजूद थे। सारी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन सरकार का रुख अभी भी टकराने का ही है। केंद्र सरकार व अपनी खुद की घोषणा बारे केवल आश्वासन का है। आश्वासन पर आंदोलन वापस लेने की अपील को तालमेल कमेटी ने सिरे से खारिज कर दिया। सरकार से मांग की ठोस रूप से में मांगों का समाधान करे। तालमेल कमेटी ने फैसला लिया है कि हड़ताल जारी है, जारी रहेगी। करनाल का महापड़ाव जारी रहेगा। आंदोलनकारी महिलाओं और ICDS से प्रभावित तबकों पर भाजपा सरकार के रुख को लेकर 10 लाख हैंडबिल छपवाकर वितरित किए जाएंगे। इसके लिए 24 फरवरी से गांव और शहर की बस्तियों में वर्कर्स और हेल्पर्स घर घर दस्तक देंगी और नुक्कड़ बैठक करेंगी। आम लोगों को साथ लेकर भाजपा सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। 25-26 फरवरी को सभी जिलों में भाजपा के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, जिला प्रमुखों के कैंप कार्यालयों पर 24 घंटे का पड़ाव डाला जाएगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पर चंडीगढ़ विधानसभा के घेराव के कार्यक्रम बारे तालमेल कमेटी अपनी बैठक करते हुए 23 फरवरी को फैसला लेगी। सभी जिलों में अगले दो दिन शहरों में जुलूस निकालते हुए आम जनता से आंदोलन के लिए चंदा डब्बा कलेक्शन किया जाएगा, जिसके चलते दुकानदारों व मार्केट में आने वाले जनता के हिस्से को सरकार की कर्तव्यों के बारे में बात की जाएगी।